नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के आपके इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की, उसकी कमी की, और आपको बताएंगे उसको दूर करने की बात। आजकल का साथियों दौर है कि होल बॉडी चेकअप बहुत कॉमन है। हम भी होल बॉडी चेकअप अपना कराते हैं, आप लोग भी कराते होंगे। 700-800 रुपए के पैकेज में करीब 90 जांचें हो जाती हैं और आपको दो बातें, विटामिन B12 और विटामिन डी, दो चीज़ों की कमी लगभग हर रिपोर्ट में आती है। खास तौर से महिलाओं में विटामिन B12 की कमी आती है। विटामिन डी की चर्चा साथियों हम लोग आगे करेंगे वीडियो में, किसी अन्य वीडियो में। आज बात करेंगे विटामिन B12 की कमी की। एक समस्या आपकी आज खत्म कर दें, एक समस्या आपकी कल खत्म कर देंगे। विटामिन B12 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके हीमोग्लोबिन बनने का, क्योंकि जो आपका विटामिन B12 होता है यही न्यूक्लिक एसिड बनाता है जो कि RBC का बेस होता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड कॉर्पसल्स का बेस होता है। न्यूक्लिक एसिड की जब दिक्कत हो जाती है तब आपका RBC नहीं बन पाता है, और जब RBC नहीं बन पाता है तो आप में खून की कमी होती है। तो अगर हम जो बेसिक रॉ मटेरियल है, बेसिक पदार्थ है उस RBC को बनने के लिए विटामिन B12, अगर उसको हम कहीं से इकट्ठा कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने ब्लड को नॉर्मल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज हम आपको वही बात बताते हैं कि जो RBC बनने का, लाल रक्त कोशिकाएं बनने का मेन मटेरियल है विटामिन B12, वह आप कहां से प्राप्त करें। विटामिन B12 साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन होने के नाते यह आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता, इकट्ठा होके नहीं रह सकता, आपको रोज इसका इंटेक करना पड़ता है। जो खून की कमी हमारे घर की महिलाओं में खास तौर से होती है, समाज की महिलाओं में, वो इसलिए होती है कि महिलाएं दूसरों की देखभाल के कारण अपने को न्यूट्रिशन नहीं दे पाती हैं, और न्यूट्रिशन ना देने में सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि आपका RBC नहीं बन पाता, आप अनिमिक हो जाती हैं, और जब आप अनिमिक हो जाती हैं तो आपको कमजोरी रहती है, डिप्रेशन रहता है, फटीग रहता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, उलझन रहती है, और तमाम अन्य समस्याएं आती हैं। तो अगर आप इसका जो रॉ मटेरियल है उसको आप पूरा कर दें तो आपका लाभ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ वो अचूक घरेलू चीज जो आपके घर में मौजूद है और आपके विटामिन B12 को पूरा करने में कामयाब हो सकती है, और समझिए विटामिन B12 की कमी पूरी तो आपके शरीर की खून की कमी पूरी। ये 90% केस की मैं बात कर रहा हूँ, 10% कोई क्रॉनिक कंडीशन और भी हो सकती है जिसमें आपकी ब्लड की कमी हो। इसलिए अगर रिपोर्ट जब आए तो आप एक बार डॉक्टर से राय जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह उस कॉमन सिनेरियो की चीज है जिस कारण सबसे बड़ा मेन कारण है आपके विटामिन को कम होने का। इसके अलावा जो अन्य कारण है वो डॉक्टर ही उस सिचुएशन को असेस करके बताएगा, लेकिन यह विटामिन B12 जो आपको रोज चाहिए। अब रोज लेने में आपके पास दो विकल्प हैं, या तो रोज आप कैप्सूल टैबलेट खाते रहें या आपके घर में जो रखा है वो खाते रहें। वैसे आपके सामने साथियों ऐसा अचूक नुस्खा जो आपके विटामिन B12 की प्रतिदिन कमी को दूर करके आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा और आपको स्वस्थ, ऊर्जावान, चमकदार और अपने कार्यों को तरीके से अच्छे से पूरे करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला में शामिल कर देगा। आपको साथियों कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वह है स्प्राउट्स का सेवन, अंकुरित अनाज का सेवन। बहुत सी चीजें साथियों जो अंकुरित हो सकती हैं, चाहे चना हो, चाहे तमाम दालें हो, चाहे कुछ सब्जियां हो, वह अंकुरित होती हैं। तो यह जो लाइफ फूड्स होते हैं यह आपको खाने हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्प्राउट्स में विटामिन B12 पाया जाता है, और यह सक्षम है आपकी रोज की, आपके शरीर की विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में। इसके अलावा साथियों दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, चिकन, इन सब में भी विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन आज का जो विषय मैं जोर करके कहना चाहूंगा साथियों, आप स्प्राउट्स का सेवन करिए, अंकुरित अनाज का सेवन करिए, लाइव फूड्स, इनको जीवित फूड्स कहते हैं, जिनको कि आप काटने के बाद भी जब फसल से इसको अलग कर देते हैं तो यह सड़ते नहीं है, इनमें ग्रोथ होती है,
तो इनको लाइव फूड्स कहा जाता है। अपने जीवन में साथियों वक्त आ गया है लाइव फूड्स को शामिल करिए, क्योंकि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ा सकते अगर आप लाइव फूड्स नहीं खा रहे हैं। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी आपकी रिपोर्ट में आई है तो आप एक कुशल चिकित्सक से मिल ही सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे आप सबसे पहला प्रयास जो कर सकते हैं वह आप स्प्राउट्स खाना शुरू कर सकते हैं, या संभवतः आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करके आपकी अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करके आपको लाभ देगा। आपके कभी अगर B12 कम निकला हो रिपोर्ट में, आप स्प्राउट्स खाइए एक महीना रोज सुबह, हो सके तो खाली पेट, उसमें आप अपने हिसाब से टमाटर और अन्य न्यूट्रिशियस चीजें भी डाल लीजिए, आप टोमेटो डाल लीजिए, उसमें लाइकोपीन होता है, आप उसमें कुछ भी और ऐड पनीर के पीसेस छोटे छोटे काट के डाल लीजिए, और 10 रुपए में कोई ठेले वाला भी आजकल बढ़िया स्प्राउट्स बना के दे देता है। हम लोग के छोटे शहरों में तो अभी भी ठेले पे खूब स्प्राउट्स वाले मिलते हैं, और हम लोग जब मौका मिलता है खाते रहते हैं, तो घर में रात में भिगो देते हैं, 2 दिन में अंकुरित हो जाते हैं बहुत अच्छे। तो आप इसको करिए, आपकी खून की कमी निश्चित रूप से दूर होगी, आपको महंगे इलाज और महंगे वक्त की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यह होल न्यूट्रिशन है। बहुत लोग तो हम लोग साधु महात्मा होते थे, इन्हीं सब पे जिंदा रहते थे, उनको खाने की जरूरत ही नहीं होती थी। तो आप इस पर आएं और हमको बताएं कि एक महीने के अंदर आपकी खून की कमी दूर हुई कि नहीं, निश्चित रूप से दूर होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप नोटिफिकेशन पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का आपको संतोषजनक जवाब दे सकें। साथियों वीडियो निवेदन है आपका हमेशा की तरह कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, उससे जरूरी शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथ में इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।